मोहब्बत भी अजीब सी होती है। अगर किसी से हो जाए तो हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल लगने लगता है, और उसे पाने की जो एक्साइटमेंट होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। तो चलिए मैं अपनी ही मोहब्बत से आपको मिलवाता हूँ। जनाब, जहाँ पर हम जाने वाले थे वहाँ के लिए हम निकलने वाले थे सुबह 11 बजे, लेकिन किसी कारणवश हमें निकलना पड़ा 2 बजे। लेकिन देखिए, बात थी हमारी मोहब्बत की, तो बिना सोचे समझे हम 60 से 65 किलोमीटर का रास्ता तय करने अकेले ही निकल पड़े। तो हुंडरू फॉल यहाँ से अप्रॉक्स 16 किलोमीटर है और हमने अभी ट्रैवल करके आ गया, तो 16 किलोमीटर और। तो हम लोग हुंडरू पहुंचने वाले हैं, और ये देखो ये यहाँ का नज़ारा है। ये देख करके पता चल रहा है कि हम लोग बहुत ही ऊंचे जगह पर हैं, और ये रहा मेरे अंकल जी का स्कूटी और वो रहा नज़ारा, ये सारे सारे तरफ का बढ़िया है कुल मिला करके, और कुछ नहीं। अब जाना है आगे, मात्र मैं हुंडरू फॉल से 6 किलोमीटर दूर हूँ, चलते हैं देखते हैं। तो मैं 50 किलोमीटर, हाँ अप्रॉक्स 50 किलोमीटर, मेन रांची सिटी से 50 किलोमीटर ट्रेवल करके और हम पहुँच गए हुंडरू फॉल। मतलब कि ये देखो हुंडरू फॉल का ये वो है, मतलब क्या को बोलते हैं यार, बोर्ड है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बस 1 किलोमीटर आपको जाना है, और ये सुनसान सी सड़कें, आगे पीछे कोई नहीं, काठे चचा दद्दा कुछ नहीं। देखो बोर्ड पे देखो क्या लिखा है, देखो पढ़ो क्या क्या लिखा है। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू एडवेंचर पार्क, जोन्हा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, ये सारे सारे जलप्रपात हैं। तो चलो अब चला जाए। तो ये देखो जो हुंडरू फॉल है उसके पीछे का नज़ारा है, और वहाँ से देखोगे कि ये बहुत ही मतलब शानदार नज़ारा दिख रहा है। वहाँ से देखोगे तो हुंडरू फॉल उधर है, मतलब ये थोड़े ऊंचे पर है और वो थोड़ा नीचे पर प्लेस है। तो वो आगे जब मैं जाऊँगा तो नीचे पूरा का पूरा जो वाटरफॉल है वो नीचे गिर रहा है। तो हालांकि अभी मैं पीछे हूँ, यानी यहाँ पर हूँ, आगे इधर से चला जाए क्या? किधर से? कि ऊपर से भी देख लिया जाए फिर नीचे से देखा जाए। तो हुंडरू फॉल के 2 पार्ट हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अगर आप अपर वाले पार्ट पे जाते हो तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे झरने, पानी का अच्छा खासा बहाव दिखेगा, और अपर पार्ट का भी जो व्यू होता है बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन जब आप लोअर वाले पार्ट पे जाते हो तो एकदम भयंकर बड़ा सा आपका झरना दिखेगा, यानी वाटरफॉल दिखेगा, और मज़ा आ जाएगा उसको देख करके। तो कुछ देर के बाद पहुँच गए हुंडरू फॉल, और बस आगे पीछे का नज़ारा देखोगे तो बहुत ही शानदार है। ये वैली ही वैली है, कहने का मतलब ये है, तो शानदार नज़ारा है। छोटा सा जलप्रपात यानी वाटरफॉल, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा नीचे वाला जो वहाँ से जा रहा है वहाँ से, और ये रहा इतना नीचे जा कर के वो जब पानी गिरेगा तो रियली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। ये छोटा सा जलप्रपात है, अभी नीचे बहुत ही बड़ा है, सो उसको चलते हैं देखने, ठीक ना, उसको मिस नहीं करना है जो नीचे वाला है। ये तो बहुत छोटा है, नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं बड़ा सा एकदम, क्योंकि ये जो पानी है वहाँ से देखो वहाँ से फिर नीचे गिर रहा है, तो रियली वहाँ से वो बहुत बड़ा होगा। हालांकि तो ये है नज़ारा।
अब नीचे वाले वाटरफॉल को देखने जाने के लिए लगभग लगभग हम लोगों को 200 से 250 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ी होगी। मतलब एकदम हालत पस्त हो चुका था। तो नीचे उतरने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप पानी ले लोगे और पानी के साथ कुछ खाने होने का और भी कुछ ले सकते हो, लेकिन पानी तो कंपलसरी है एकदम, क्योंकि नीचे उतरते उतरते आपकी हालत खराब हो जाने वाली है, इसलिए पानी लेकर ही जाना। और जब आप नीचे उतर जाओगे तो रास्ते में भी और हालांकि नीचे भी आपको बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग मिलेंगे, जो कि लकड़ी के सुंदर सुंदर बहुत सारे खिलौने और वस्तुएं बना करके रखे हुए होते हैं। तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, इनकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, लेकिन इनको बनाने में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस पहुँच चुके हैं, बस 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 आ गए। मोहब्बत अगर हर किसी के साथ हो सकती है तो नेचर के साथ क्यों नहीं। हम बोलेंगे कि एक बार आप नेचर के साथ भी मोहब्बत करके देखिए, और इसी तरीके से ये जर्नी खत्म होती है। लेकिन मैं जितना ज्यादा जाते समय इन रास्तों को एंजॉय कर रहा था, उतना ही ज्यादा आते समय भी इन रास्तों को एंजॉय कर रहा था। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि नेचर के साथ अत्यधिक मोहब्बत करना चाहिए कि किसी मनुष्य के साथ। और इस वीडियो को कृपया शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।